दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। बीते दिनों अमृतसर शहर में कूड़े के डंप को लेकर अमृतसर प्रशासन और नगर वासी आमने सामने हो गए थे। मामले को गरमाता देख प्रशासन द्वारा कोट मंगल सिंह इलाके के कूड़े के डंप को स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद बंद कर दिया गया था, जिसके बाद शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। अब अमृतसर प्रशासन ने इस मामले का हल निकालते हुए अमृतसर के फतेहपुर में नई जगह निर्धारित की है। प्रशासन के इस फैसले का विरोध ना हो सके, इसके लिए 300 पुलिस कर्मियों के सुरक्षा कवच में कूड़े को फेंकने का काम किया गया। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कूड़े को फेंकने के कारण अमृतसर में स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी, जिसके चलते सरकार की हिदायत पर ये सुरक्षा लगाई गई है। देखो पिछले काफ़ी दिनों तो इतने शहर जिदा सारे जानते हैं डंप नू लैके इतने काफ़ी प्रॉब्लम आ रही सी, इस करके शहर काफ़ी गंदगी फैल रही थी। उस करके सरकार वालों ऑर्डर सी कि जड़ा कूड़ा कितना कितने सुटाया जाए, तो सुरक्षा प्रबंधन लिए इतने सारी फोर्स लगाई गई है ताकि कूड़ा सुटने किसी प्रॉब्लम ना हो। नहीं मीटिंग नहीं हुई, सानू ऑर्डर आया सीनियर अफसर वालों, तो सारा प्लान तैयार किया गया प्रॉपर, तो उस मुताबिक ये सारा प्रबंध किया गया। नहीं वो असं जो 28 दिन है वो कम कोई बंद नहीं होया, घट जरूर होया वा, पर भी असं जे डंपिंग ग्राउंड साड़िया पुरानी ने जिमें उन्होंने असं जगह यूज करते रहे हैं, पर यह भी कम कंपैरेटिवली घट हो रहा है। अज तो असं फुल फ्लैज जोड़ा है वो फतेहपुर नगर निगम की इतने मालकी है, जगह 15 एकड़ साड़ी जगह पई हुई थी, ये नगर निगम की मालकी है, तो इतने अज जो है माणयोग मेयर साहब कमिश्नर साहब के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जी है उन्होंने सहयोग के नाल अज ये काम शुरू हो गया।